हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल केयरवेल फार्मा में। तो हम पढ़ रहे थे फिजिकल फार्मास्यूटिक्स की यूनिट थर्ड, सरफेस एंड इंटरफेसियल फिनोमेनम। इसमें हम सरफेस फ्री एनर्जी कवर कर चुके हैं, सरफेस टेंशन और ये सब हम पढ़ चुके हैं। तो आप जाके आई बटन में देख सकते हैं कौन कौन से। आज हम पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ सरफेस एंड इंटरफेसियल टेंशन के बारे में। तो ये मैंने यहाँ पे सरफेस फ्री एनर्जी के नोट्स भी बना दिए हैं, तो मैं वो सरफेस फ्री एनर्जी वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो आप देख लेना, वहीं से डाउनलोड कर लेना। अब हम इसमें पढ़ेंगे, वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाती है इसलिए हम इनको कुछ कुछ टॉपिक वाइज कवर करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे कैपिलरी राइज मेथड। इसको हम डेरिवेशन वाइज भी पढ़ेंगे, डेरिवेशन भी इसका पूरा क्लियर करेंगे, आपको कुछ भी रटने की इसमें ज़रूरत नहीं है। और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कैपिलरी राइज मेथड एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, आप इसको पूरा और अच्छे से देखें। तो कैपिलरी राइज मेथड, अब ये हमारा हो किसके लिए, मतलब यूज क्या है इसका। तो इसको हम सरफेस टेंशन को मीज़र करने के लिए यूज करते हैं, सरफेस टेंशन को हम इसको मीज़र करते हैं कैसे। और कहीं कहीं ये प्रैक्टिकली भी होता है फ्रेंड्स। तो जब अगर कोरोना काल से थोड़ा बच के कॉलेज वगैरह ओपन हो जाएंगे और लैब खुल जाएंगी, तो फिर मैं आपको इसको प्रैक्टिकली भी करके दिखा दूंगा फ्रेंड्स, वीडियो आपकी इसी बना दूंगा। चलिए हम समझते हैं कैपिलरी राइज मेथड क्या है। तो उसके लिए हम सिंपल क्या लेते हैं कि हमारे पास क्या है, एक कोई भी बीकर है या पानी का कुछ भी है, उसमें यहाँ तक हमारा पानी भरा हुआ है। अब हमने क्या किया, ग्लास की ट्यूब होती है कैपिलरी, जो थोड़ी पतली होती है और दोनों तरफ से खुली हुई होती है। तो उसको हमने क्या किया, यहाँ पे डाल दिया। ये हमारा यहाँ से पानी पूरा भरा हुआ होता है। अब होता क्या है कि जब हमने इसको डाला, जैसे पहले हमारा ये ऐसे था, यहाँ तक हमारा पूरा पानी भरा हुआ था, लेकिन जैसे ही हमने ये कैपिलरी इसमें डाली, ये पानी हमारा यहाँ से ऊपर चढ़ने लगता है, लेकिन कुछ हाइट के बाद जाके वो यहाँ पर रुक जाता है। तो यही है कैपिलरी राइज मेथड। राइज मतलब ऊपर चढ़ रहा है पानी इसमें, तो यही है। अब इसमें ये ऊपर चढ़ा, तो अब इसमें ऊपर ये गया क्यों, क्यों गया, क्योंकि हमारा एक होता है अधेसिव फोर्स, एक होता है कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स होता है ये लिक्विड और लिक्विड है, इनके बीच के पार्टिकल के बीच में जो फोर्स लगता है। और अधेसिव फोर्स क्या है, जो लिक्विड है और इनके ऊपर जो अलग पार्टिकल है उनके साथ मिलके कोई फोर्स लग रहा है, वो अधेसिव फोर्स है। यहाँ पे हमारा अधेसिव फोर्स क्या है, जो हमारी ग्लास की कैपिलरी ट्यूब है, जो हमने यहाँ पे ये एंटर की है कैपिलरी ट्यूब, इसके जो ग्लास है इनका और ये लिक्विड, जब आपस में ये टच हुए तो अधेसिव फोर्स इंक्रीज निकला, अधेसिव फोर्स मतलब ज़्यादा निकला, जिस वजह से क्या हुआ, ये हमारे जो लिक्विड है ऊपर चढ़ने लग गया। अब इसमें होता क्या है, हमारे ऊपर लिक्विड राइज कर रहा है, लेकिन कुछ दूरी पर जाके ये रुक भी गया यहाँ पे। ऐसा तो नहीं है कि ऊपर चढ़ता गया, कैपिलरी से बाहर चला गया। क्यों रुक गया, क्योंकि इस पर कुछ फोर्स नीचे से भी लग रहा है, जो हमारा क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है फ्रेंड्स। और पोटेंशियल एनर्जी जो हमारी इसमें होती है, तो वो हमारे यहाँ पे लग रही है। अब हमारा एक फोर्स यहाँ पे हम देखते हैं फ्रेंड, एक फोर्स हमारा जा रहा है अपवर्ड, ऊपर को जा रहा है फोर्स, और एक हमारा फोर्स जा रहा है डाउनवर्ड, जो हमारा इसको रोक रहा है, वरना ये ऊपर पानी निकल जाए। अब अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स, जब लिक्विड हमारा, जैसे इतनी कैपिलरी यहाँ पे जाके हमारा लिक्विड रुक गया, जब हमारा लिक्विड रुक गया इसका मतलब क्या है कि ये वाला फोर्स, अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स, ये दोनों फोर्स है वो इक्वल हो गए, तभी तो लिखा। अगर ऊपर वाला फोर्स ज़्यादा हो गया तो लिक्विड ऊपर जाएगा, नीचे वाला फोर्स ज़्यादा हो गया तो हमारा लिक्विड नीचे जाएगा। ये हमारा जैसे ये कैपिलरी है, यहाँ तक हमारा लिक्विड भरा हुआ है, अगर अपवर्ड फोर्स ज़्यादा हो गया तो हमारा ऊपर जाएगा, और डाउनवर्ड फोर्स ज़्यादा हो गया तो हमारा लिक्विड नीचे आ जाएगा थोड़ा उसमें। तो ये दोनों जब इक्वल हो जाते हैं तब हमारा जाके यहाँ पे कैपिलरी जो इतना है ये हमारा बन जाता है, ठीक है फ्रेंड। अब हमारा, अब इसको हम डेरिवेशन वाइज समझते हैं कि इससे हम सरफेस टेंशन को कैसे निकाल सकते हैं। हमारा मेन मुद्दा यहाँ पे ये है कि हमको सरफेस टेंशन निकालनी है इस मेथड से, ठीक है फ्रेंड। तो अब हम इसको समझते हैं, ये हमने देख लिया फोर्स, और जो हमारा अपवर्ड फोर्स है इसमें हमारा सरफेस टेंशन काम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा अधेसिव फोर्स लग रहा है वो इंक्रीज है, जिस वजह से पानी ऊपर जा रहा है। तो हमारा यहाँ पे हमारा कौन सा फोर्स है, सरफेस टेंशन, जिसे हम गामा से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारा सरफेस टेंशन हो गया। नीचे हमारा फोर्स कौन सा लग रहा है, एक हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है और एक पोटेंशियल एनर्जी, इसमें हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स प्लस हमारा वर्क, वो सॉरी वेट, जो ये लिक्विड है इतना, जो हमारा ये लिक्विड इतना राइज हुआ है, इसका कुछ वेट भी है, और ये इसकी हाइट, लेट करते हैं हमारी एच हाइट हमारा इंक्रीज हो गया, जो हमारा ये यहाँ से यहाँ तक गया इसकी हाइट हमारी कितनी है एच। हमारा एक डाउनवर्ड फोर्स लगा, डाउनवर्ड फोर्स हमारा कौन सा लगा, ग्रेविटेशनल फोर्स प्लस एम उसकी मास और हाइट, उसके बाद उसका वेट जो जितना, वो अपवर्ड फोर्स हमारा लगा गामा। अब यहाँ पे जब ये बनता है ना फ्रेंड्स हमारा,
कोई भी, यहाँ पे हम जूम करके देखते हैं तो यहाँ पे हमारा थीटा एंगल बनता है, वो हमारा होता है कॉन्टैक्ट ऑफ एंगल। इसका मतलब क्या है, जो लिक्विड हमारा ग्लास सरफेस है जो कैपिलरी का, इससे जो टच हुआ है तो उसने एक थीटा एंगल बनाया जो हमारा 90 डिग्री से कम होता है। यहाँ पे देखिए 90 डिग्री। लेकिन ये पानी जब होता है लिक्विड, ये हमारा विस्कोसिटी और डेंसिटी इन चीज़ों पे डिपेंड करता है फ्रेंड। ये हमारा कि कोई कभी कभी क्या होता है, ये हमारा कोई कैपिलरी है तो ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही बने, किसी में ऐसा भी बनता है और किसी किसी में ये इक्वल रहता है। ठीक है फ्रेंड, तो अब हम इसका डेरिवेशन देख रहे थे। तो हमारा यहाँ पे अपवर्ड फोर्स देखते हैं हम, तो अपवर्ड फोर्स हमारा क्या है, प्रिंसिपल इसका हमने समझ लिया कैसे काम करता है, क्या होता है फ्रेंड। इसमें आपको इतना कुछ ये है, ये मैं लिखा हुआ आपको दे दूंगा थ्योरिकल, आपको अभी सिर्फ ये समझना है प्रैक्टिकली कि कैसे क्या हो रहा है। ठीक है फ्रेंड, और डेरिवेशन, तो हमारा अपवर्ड फोर्स क्या है, एफ इज इक्वल टू 2πr। अब हमारा 2πr क्यों आया है, हमारी जो ये है कैपिलरी है इसका हमारा ये सर्कमफेरेंस सर्कल में है ना, तो सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या होता है, 2πr। ठीक है, और ये गामा कॉस थीटा, गामा हमारी सरफेस टेंशन, जो हमारे यहाँ पे फोर्स ऊपर लग रही थी, हमारी क्या थी, सरफेस टेंशन थी हमारी, ऊपर फोर्स लग रही थी। उसके बाद ये कॉस थीटा, ये हमारा यहाँ एंगल के लिए लग रहा है, तो ये हमारा फोर्स हो गया 2πr गामा कॉस थीटा। और पानी के लिए अगर सिंपल हम देखेंगे तो हमारा ये होता है फोर्स इक्वल टू 2πr डॉट गामा। ठीक है फ्रेंड, ये हमारा सिंपल के लिए है, यहाँ पे मैंने ये सब लिख चुके हैं, 2πr सर्कमफेरेंस है और कॉस थीटा सरफेस टेंशन एंड कॉस थीटा हमारा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। अब हमारा डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है, वो क्या है, फोर्स इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू एम जी एच इंटू वाटर। एम जी एच हमारा पोटेंशियल एनर्जी और ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, वेट हमारा हो गया। अब हम सबको पता है कि हमारा जो डेंसिटी होती है ना, रॉ डेंसिटी का हमारा फॉर्मूला होता है एम अपॉन वी, मतलब मास अपॉन वॉल्यूम। अब मास हमारा एम है, वॉल्यूम हमारा क्या होता है, पाई आर स्क्वायर कैपिलरी का है। ठीक है, पाई आर स्क्वायर, तो हम उसकी वी की जगह हम पाई आर स्क्वायर पुट कर लेते हैं, सिंपल है, ये हमने यहाँ पे लिख रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई में कर सकते हैं, तो हम एम की वैल्यू निकालेंगे, तो इसको हम राइट साइड पे जब भेजेंगे तो हमारा ये बन जाएगा एम इज इक्वल टू रॉ डॉट पाई आर स्क्वायर। ये हमारी इक्वेशन अगर हम लिखें तो ये हमारी वन इक्वेशन, ये सेकेंड, ये थर्ड। अब हम इस एम की वैल्यू उठाकर हम अगर इस वाली में यहाँ पे पुट कर देते हैं तो हमारी एक इक्वेशन बनती है। हमने क्या किया, इसको यहाँ पुट किया, तो यहाँ देखिए एम की वैल्यू हमारी ये थी, इसकी जगह हमने वो पुट कर दी, तो हमारी बन गई रॉ पाई आर स्क्वायर जी एच प्लस डब्ल्यू, ये हमारी यहाँ पे वैल्यू बन गई। अब हमको एक चीज़ पता थी फ्रेंड्स कि हमारा जो लिक्विड है वो इक्विलिब्रियम में है, मतलब ना वो ऊपर जा रहा है ना एक बार गया और फिर वो रुक गया। वो कब हुआ, जब हमारा अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स दोनों हमारे क्या हुए, बराबर बराबर हो गए तब। अब यहाँ तक हमारा लिक्विड राइज हुआ लेकिन यहाँ जाके वो रुक गया, अब ऊपर नहीं जा रहा नीचे नहीं आ रहा। इसका मतलब जो हमारा अपवर्ड फोर्स ऊपर लग रहा और एक डाउनवर्ड फोर्स नीचे लग रहा, वो दोनों इक्वल हैं। तो हम इक्वल हैं तो हम उनकी इक्वेशन को भी इक्वल रख सकते हैं ना, तो हमने क्या किया इनकी इक्वेशन को इक्वल रखा। उसके बाद हमने यहाँ पे वैल्यू पुट की। अब फॉर वाटर मैंने बताया था, वाटर के लिए क्या होता है अपना, ये हमारा प्लेन बनता है, ये है, ये हमारा प्लेन बन रहा है सिंपल। अब प्लेन बन रहा है तो हमारा यहाँ थीटा बनेगा नहीं, तो हम यहाँ पे सिंपल ही देख लेते हैं करके। तो अब मैंने ये एक दिखाने के लिए काटा, 2πr गामा कॉस थीटा इज इक्वल टू रॉ पाई आर स्क्वायर जी एच प्लस डब्ल्यू। ये आप अगर आप देखेंगे तो ये वही इक्वेशन है, कुछ भी अलग नहीं है, एक ये इक्वेशन है और एक ये इक्वेशन है, ये अपवर्ड की और ये हमारी डाउनवर्ड की, दोनों को हमने बस इक्वल रख लिया है अपने आमने सामने, कंपेयर कर रहे हैं हम, क्योंकि सेम है तो हम आपस में रख सकते हैं। उसके बाद गामा इज इक्वल टू, अब ये टू है इससे हमारे ये कट जाएंगे, आप देख लेना, फिर गामा हमारा क्या है, वन अपॉइंट ये टू इधर नीचे आ जाएगा और रॉ जी एच आर प्लस डब्ल्यू, ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी कंप्लीट इक्वेशन हमारी किसकी, सरफेस टेंशन की। अब सरफेस टेंशन निकालना बहुत ईजी है। अब आप सोच रहे होंगे सरफेस टेंशन की बन तो गई लेकिन निकलेगा कैसे, तो आपको क्या करना है, जब भी आप ये प्रैक्टिकली करेंगे तो सरफेस टेंशन का ये फॉर्मूला आपने यहाँ पे निकाल चुके हैं, ड्राइव कर चुके हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो उस लिक्विड जो भी है उसकी आपको डेंसिटी पता होगी, ग्रेविटेशनल फोर्स 9.8 होता है, हाइट उसकी वहीं के वहीं मीजर कर लेंगे कितनी हुई, और रेडियस जो कैपिलरी आप यूज करेंगे उसकी आपको रेडियस भी पता होगी, और वेट ऑफ लिक्विड ये आप तुरंत अप्लाई करेंगे और आपकी सरफेस टेंशन निकल आएगी, यही हमारा मेथड है। आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा, मैंने डेरिवेशन वाइज पूरा समझा दिया है। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको उसका पूरा सॉल्यूशन बताऊंगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम आगे के मेथड को कवर करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।